हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। तो फूलों की खुशबू की तरह माता रानी आपके घर में और आपके गार्डन में विराजमान रहे। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोग देख सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ये नर्सरी विजिट पे गई थी मैं, तो विंटर के कुछ प्लांट में परचेस करके लाई। बहुत दिनों से सोच रही थी विंटर के फ्लावर्स लाना है मुझे फेस्टिवल से पहले, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो मैंने सोचा कि नवरात्रि के दिन आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कौन कौन से प्लांट विंटर के मैं परचेस करके लाई हूं, तो उनके नेम और प्राइस भी आपके साथ में शेयर करूंगी और थोड़ी थोड़ी सी केयर के बारे में भी मैं शेयर करूंगी कि इन प्लांट को कैसे केयर करना है। तो जिन्होंने मेरी नर्सरी विजिट वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पिटूनिया की तीन डिफरेंट कलर के मैं प्लांट लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई सा भी प्लांट लेके आऊं तो उनके डिफरेंट कलर लेके आऊं, जिससे मेरी गार्डन की खूबसूरती बने रहे। तो पिटूनिया विंटर का बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है। और इस प्लांट से आप इसकी कटिंग से भी आप फ्री में घर में प्लांट तैयार कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और तीनों कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स। ये बेबी पिंक कलर का है और ये थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का है मैजेंटा में, और व्हाइट लाइनिंग है इसमें, और ये रेड में व्हाइट है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो इनके कलर तो नर्सरी में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो अगर आप विंटर के परचेस करना चाहते हैं फ्लावर्स से प्लांट, तो आप पिटूनिया को जरूर ऐड कीजिए अपने शॉपिंग में। और इसी प्लांट से आप ढेरों सारे प्लांट घर में फ्री में ही तैयार कीजिए फ्रेंड्स। इस प्लांट को धूप बहुत अच्छा पसंद है, तो अगर इस प्लांट को आप परचेस करके ला रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए 5-6 आवर्स की इसकी धूप मिले, तो ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करेगी, तो इस प्लांट को जरूर परचेस कीजिए। और इसी के साथ ये देखिए गजेनिया के दो प्लांट लेके आई हूँ। कलर तो वहाँ बहुत सारे थे, मन हो रहा था कि बहुत सारे परचेस करके लेके आऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं था फ्रेंड्स, तो ये दो ही लेके आई हूँ मैं। इसका कलर देखने में इतना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर रखा होगा, बहुत ही सुंदर कलर है। इस प्लांट की एक खासियत है फ्रेंड्स, इसे धूप बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप 2-3 घंटे की धूप या 4 घंटे की धूप में इस प्लांट को रखेंगे तो इसके फ्लावर से ऐसे खिलेंगे देखिए, और अगर फुल सनलाइट में रख रहे तो ऐसे खिलता हुआ रहेगा इसके फ्लावर से देखिए। क्योंकि मैंने मॉर्निंग में इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखा था और इस प्लांट में 3-4 आवर्स की धूप मिली इस प्लांट को, तो देखिए इसके फ्लावर से पूरी तरीके से खिला नहीं है। तो आप अगर इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं विंटर में और लेके आएंगे इस प्लांट को, तो इसे पूरे फुल सनलाइट में रखिए। ये प्लांट फिर बहुत हैवी फ्लावरिंग करेगी और पूरा सुबह से शाम तक ये खिला रहता है। और एक बात फ्रेंड्स, इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक दिन अगर खिल गया तो कम से कम 2-3 दिन तक ऐसे ही खिला रहता है। और रात को इनकी सारी ये रात को एकदम ऐसे हो जाता है, जैसे ये देखिए इसके वर्ड्स हैं, ऐसे पूरा ये बंद हो जाता है, ऊपर से मुंह बंद हो जाता है और मॉर्निंग में फिर खिल जाता है। तो इस प्लांट को जरूर लेके आइए। ये प्लांट मुझे 30 रुपीज करके 1 पीस दिया है, तो अगर विंटर शॉपिंग में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को जरूर परचेस करके लाइए। और ये नेक्स्ट है डेंथस। डेंथस आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है ये प्लांट है, और बहुत ही कम लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट को कैसे भी आप लगा दीजिए, कटिंग से भी लगा दीजिए तो भी ये प्लांट सक्सेस हो जाता है। और इसके इतने सारे खूबसूरत कलर मिल जाते हैं नर्सरी में, तो मैं 2 डिफरेंट कलर लेके आई हूँ और उन्होंने ये 15 रुपीज करके मुझे 1 पीस दिया है, तो बहुत ही अच्छे रेट पे मुझे मिल गया, तो मैं 2 पीस लेके आई हूँ और कभी बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो और लेके आऊंगी। इस प्लांट की थोड़ी सी केयर के बारे में बता देती हूँ फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी धूप बहुत अच्छा पसंद है। जैसे धूप में आप रखेंगे तो ये प्लांट वैसे ही हैवी फ्लावरिंग करेगी, तो बहुत ही कम केयर है, बस इनको धूप बहुत अच्छा पसंद है, तो इसे धूप में रखिए। और अगर नर्सरी विजिट में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो डेंथस को जरूर परचेस करके लाइए।
और इधर है ये गुलदावदी। फ्रेंड्स उनके पास फ्लावर से खिले नहीं था गुलदावदी की, अभी उन्होंने ये न्यू प्लांट लगा रखा था, तो उन्होंने मुझे ये दोनों डिफरेंट कलर ही दिया है। उन्होंने बोला कि दोनों अलग अलग कलर है, तो उन्होंने बोला कि धूप में रखना तो इसमें फ्लावर आना शुरू हो जाएगा, तो बस मैं रिपोर्ट करूंगी तब इसे धूप में रखूंगी। तो ये दोनों कलर बहुत ही सुंदर है, आई होप अच्छा निकले कलर इसका, अभी तो पता नहीं है उन्होंने कहा है मुझे। तो अगर आप प्लांट शॉपिंग में जा रहे हैं विंटर के, तो ये गुलदावदी जरूर परचेज कीजिए फ्रेंड्स, और इसी प्लांट की कटिंग से आप फ्री में घर में प्लांट भी तैयार कर सकते हैं 1 मंथ के बाद। और इधर है डहलिया। डहलिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है फ्रेंड्स, इनके फ्लावर की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन मैं 2 प्लांट लेके आई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक प्लांट ऊपर से टूट गया है, लेकिन मैं सक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ। उस प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर रखा है, ऐसी जगह रखा है कि 2-3 दिन उसमें धूप ना आए, फिर देखूंगी कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक प्लांट ये खराब हो गया है। खराब ना हो फ्रेंड्स, शायद ये 2 प्लांट से 3 प्लांट मेरा तैयार हो जाए अगर सक्सेस हो गया तो। उन्होंने कलर भी मुझे बोला कि बहुत ही सुंदर कलर है, डिफरेंट कलर दिया है उन्होंने मुझे ये। तो इस प्लांट की केयर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ फ्रेंड्स, इस प्लांट की केयर भी बहुत कम करनी पड़ती है, बस इनको धूप बहुत अच्छा पसंद है। तो इनको भी रिपोर्ट करने के बाद आप धूप में जरूर रखिए, तो 1 मंथ तक ऐसे ही खिले रहते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है ये, तो इसे भी जरूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और ये है बिगोनिया फ्रेंड्स, बिगोनिया की कटिंग से मैंने प्लांट ग्रो कर रखा है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूंगी मैं। हाय फ्रेंड्स, बस इनकी थोड़ी सी अगर केयर करो तो ये सालों साल हमारे पास बहुत ही अच्छा चलता है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो ये रेड कलर मेरे पास था नहीं, तो मैं रेड कलर लेके आई हूँ, तो उन्होंने मुझे ये 50 रूपीज करके 1 पीस दिया है उन्होंने मुझे, और बहुत ही अच्छा कलर लगा मुझे ये। कटिंग से तैयार किया उसे भी एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बिगुनिया इसे मैंने कटिंग से तैयार किया और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर कर रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगी। और देखिए कितना अच्छा मेरा हेल्दी प्लांट है, और ये देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ये विनका भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितना अच्छा हैवी फ्लावरिंग हो रही है। ये दोनों प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है, तभी इसी पॉट में एक साथ मैंने लगा दिया है, और बहुत ही अच्छा इनका साथ चल रहा है एक दूसरे के साथ। ये बिगोनिया इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए कितना अच्छा इसमें भी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो अगर आप नर्सरी विजिट में जा रहे हैं और विंटर की शॉपिंग करनी है तो बिगोनिया जरूर ऐड कीजिए। इस प्लांट को भी धूप बहुत अच्छा पसंद है, तो आप धूप में जरूर रखिए इस प्लांट को। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के साथ, बहुत फ्रेंड्स को नहीं पता होता है कि मतलब हम नर्सरी से प्लांट परचेस करके लाते हैं और वो तुरंत रिपोर्ट करके उसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, हम कभी भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो हमारे घर के लिए उसके बाद आप उसे रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स सॉइल अच्छा तैयार कीजिए, जैसे मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आप विंटर की शॉपिंग कीजिए, प्लांट को अपने घर में परचेस करके लाइए, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी नई नई वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।